रावत धौलपुर, आज आपको हिमालय पर्वतमाला के दर्रों के बारे में बताऊं। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि दर्रे क्या होते हैं। दर्रे होते हैं जैसे तंग रास्ते, जैसे कोई एक पहाड़ी है और उसके मध्य से जो तंग रास्ते होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, दर्रे कहलाते हैं। अब दर्रों में सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला के दर्रों में, और हिमालय पर्वतमाला के दर्रों में सबसे पहले आप है जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब ये जो दर्रे आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे पर अभी तुरंत ही आपको सभी को याद हो जाएंगे। जैसे आपने सुना है कि बिहार में जो भाषा होती है उसमें बाबू लगाते सबके पीछे, क्या से का बोलते हैं, तो जैसे ऐसे ही आपका इसमें कहेंगे का हो जेपी बाबू, और ये सभी दर्रे आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या से होता है आपका काराकुरम दर्रा, जैसे होता है जोरजिला दर्रा, ऐसे होता है आपका पीर पंजाल दर्रा, वैसे होता है आपका भाई बुरजिल दर्रा, और वैसे होता है आपका वनिहाल दर्रा। और ये सभी दर्रे आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के बाद में दूसरा जो राज्य आता है वो आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जैसे एक लड़के का नाम है रोहतास, तो इसके लिए आता है जैसे रोहतास बड़ा, शरारती है, रोहतास बड़ा शरारती है, और ये सभी दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे रोहतास से हो गया रोहतांग दर्रा, बड़ा से हो गया बड़ा लाचा दर्रा, और शरारती से हो गया सिप किला दर्रा। ये सभी दर्रे आपके कहां पर आते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन से हो गए आपके, काहो जेपी बाबू, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो गए रोहतास बड़ा शरारती है। अब इसके बाद में एक राज्य आता है आपका, उसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं। जैसे एक लड़की है और उसका नाम है नीति, अब नीति क्या है रुक जाती है तो उसका जो प्रेमी होता है वो उसको उत्तराखंड में मनाता है, तो वो अपने दोस्तों से बोलता है नीति को मना लिया, और ये सभी दर्रे आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे नीति से हो गया नीति दर्रा, मना से हो गया माना दर्रा, और लिया से हो गया लिपुलेख दर्रा। ये सभी दर्रे आपके कहां पर आते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। तो एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और तीसरा हो गया उत्तराखंड। अब इसके बाद में एक राज्य आता है, उसका नाम है सिक्किम, कौन सा राज्य भाई, सिक्किम। कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रे आते हैं, जैसे नाथूराम सिक्किम की जेल में, जैसे कौन सा भाई नाथूराम सिक्किम की जेल में है, और ये सभी दर्रे आपके कौन से राज्य में है, सिक्किम राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे नाथूराम से हो गया नाथूला दर्रा, सिक्किम में है ही, और जेल से हो गया
जैलेपला दर्रा, ये जो दर्रे आपके कहां पर आते हैं भाई, उत्तराखंड के, वो क्या नाम है, सिक्किम के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में चार राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अब इसके बाद में एक राज्य आता है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो जैसे ये चार को देख लिया, अब इसको पहले मिटाता हूं भाई। जैसे एक आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं, जैसे एक लड़के का नाम है, उसका नाम है दीपू, और दीपू गया महादेव जी के मंदिर पे घूमने। अब महादेव जी के मंदिर पे क्या है, बम बोले जाते हैं, तो उसके दोस्तों ने उससे बोला, दीपू बोल बम, तो दीपू ने इनको जवाब दिया या। और ये सभी दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जैसे दीपू दर्रा बोल से हो गया, बोमडिला दर्रा और या से हो गया आपका यांग्याप दर्रा। ये सभी दर्रे आपके कहां पर आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और एक हिमालय का एक और राज्य है, उसका नाम है मणिपुर। अब मणिपुर में एक दर्रा है, उसका नाम है तूजू दर्रा। जैसे इसका मतलब होता है तू जू जाएगा, यानी तो उसके दोस्त ने बोला मणि है, यानी पैसा होगा तभी तो जू देखने के लिए जाएगा, तो तूजू दर्रा आपका कहां पर है भाई, मणिपुर के अंतर्गत आता है। तो ये सभी दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत थे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, एक आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक था आपका मणिपुर। तो ये आपके हिमालय पर्वतमाला के दर्रे हैं। नमस्कार दोस्तों।